ड्रैगन रूम 20 नंबर 141 ब्रीफकेस, सो इट्स HDR 20 एंड 141B. ओके सर, थैंक यू. कल अब क्या करें? कुछ नहीं, करें क्या, बैठो आराम से, कल चल के देखेंगे क्या होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि वो ब्रीफकेस हम पहले ही उठा लाए. पागल हो गई हो, पकड़े गए तो? अरे यार तुम बहुत डरपोक हो. अच्छा ऐसा करते हैं, वो जगह चलकर देख लेते हैं जहाँ से हेरा फेरी साफ नजर आए. हाँ ठीक है, अब सो जाओ, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, कल अच्छा काम करना है तो अब जितना सो सकती हो सो लो, वरना वहाँ ऊँगने लगोगी. रोहित के घर भी तो जाना पड़ेगा, शीना के दंत फन में ही आधा दिन निकल जाएगा. ओके गुड नाइट. सॉरी, क्या नाम है उसका? रावण सोल. ऐसी तैसी है. देखो कुछ भी हो, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा. क्यों? क्योंकि तुम बेवकूफी कर रही हो. करण को जलाने के लिए तुम अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो, और इससे करण को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है. क्यों नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा. अब तुम करो तो मुझको सलाह देने वाले. अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो वही करो जो मैं कहती हूँ, और वो भी आंखें मूंद के. और अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं चले जाऊंगी, कहीं और जाके शादी कर लूंगी. कहीं और? कहीं और कहाँ? किसी मंदिर वंदिर में, नहीं तो करण के घर पे. उससे मैं शादी नहीं कर रही तो क्या, अपना घर तो दे सकता शादी करने के लिए. अगर इसी तरह से शादी करनी है तो रतन से ही क्यों, और किसी से क्यों नहीं? किससे? किसी से भी. लेकिन किससे? वो डैडी से? वो तो डर के मारे भाग जाएगा. वो बता कौन? तुम तो बहुत अच्छे हो रोहित, क्यों बेकार में? वो रतन ही सही है, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ. अच्छा था बुढ़ा है, ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा, और पैसा भी खूब है. इतना पैसा, खूब सारा, बड़ा बड़ा बिजनेस है, अच्छी अच्छी लंबी लंबी कारें, बैंक अकाउंट, पैसा ही पैसा. पैसा तो मेरे पास भी है, बहुत सारा, लेकिन मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे बाप का है. ये बंगला उसका है, उसमें मैं रहता हूँ, लेकिन मैं इसका किराया देता हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ. दुनिया भर में उसके अकाउंट्स हैं, अगर एक बार मैं कुछ मांगू तो मुझे सब कुछ मिल सकता है, कारें, बिजनेस, बंगले. अमेरिका में रहता है, NRI है, ये सब कुछ भी मैं कर सकता हूँ अगर तुम कहो. बोलो. नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहो उससे. तुम तो बहुत अच्छे रहे, उस सारे हरामी करण की तरह थोड़े ही हो. शीना, अगर तुम कहोगी तो मैं वैसा हो जाऊंगा. हाँ, उसकी तरह दाढ़ी बढ़ा लूंगा, चार चार दिनों तक नहाऊंगा नहीं, हा? कमरे में बंद करके किताबें पढ़ता रहूंगा, और वो हलवाई की तरह अपने गर्दन के आसपास वो गमछा लटका लूंगा, और हमेशा किताबी कीड़ों की तरह बातें करूंगा. बोलो. नहीं नहीं, ये बात थोड़ी है, बात ये है कि वो रदर सही है, मैं जो कहूंगी वो मुझे करने देगा, कुछ पूछेगा नहीं. मैं शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से फंसने नहीं दूंगा. शीना, तो रोक लो, रोक सकते हो तो रोक लो मुझे. क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ, बाय. नहीं नहीं शीना, मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं तुम्हें इतने जल्दी पागल नहीं होने दूंगा. पागल हो गई हो क्या? जानते भी हो तुम क्या कह रही हो? पता है दीपक, इसीलिए तो कह रही हूँ. तो टॉक रबिश, शीना कभी रतन सूद से शादी कर ही नहीं सकती. समझ में नहीं आता कि तुम लोग इस तरह के डिसीजंस ले कैसे लेते हो. अरे तुमने उसको रोका क्यों नहीं इस मुसीबत में फंसने से? मैंने? पता नहीं क्यों सब लोग मुझे ही जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मैंने शीना से कहा था कि वो जाके करण से प्यार करे? मैं तो करण को जानती तक नहीं थी, और फिर क्या करण को जाके मैंने कहा था कि वो शीना के साथ बुरा करे, उसे धोखा दे? पता नहीं क्यों शीना भी मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रही है, और अब आप भी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है. क्या मैंने शीना को कहा था कि वो रेस्टोरेंट में जाए? क्या मैं जानबूझकर रतन सूद को वहां लाई थी?
अगर दोनों मिलकर आपस में शादी करने की सोचते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? तारा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती तुम्हारी, लेकिन तुम कम से कम उसे समझा तो सकती थी ना। कहा वो 50 साल का आदमी और वो 21 साल की बच्ची, कि ये कोई खेल है कि यहाँ नहीं तो वहां सही? जस्ट बिकॉज किसी लफंगे ने उसे धोखा दे दिया तो किसी भी बूढ़े पर लपक पड़ेगी? प्लीज गो होम और उसको समझाओ। मैंने हर तरह से उसे समझाने की कोशिश कर ली है, लेकिन वो तो अड़ गई है। बेचारा रोहित भी सारी रात उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो है कि ना कुछ खा रही है और ना सो रही है, बस बैठी बियर पिए जा रही है और उस रतन से शादी के राग गाए जा रही है। और वो स्टुपिड रतन, वो भी मान गया है। उसका दिमाग है या नहीं? मिस तारा सहगल, हर किसी से समझदारी की उम्मीद मत किया करो। ये जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे समझाने से हर किसी का दिमाग चलने लगे। रतन सूद हमेशा से अकेला रहा है, शादी कभी की नहीं, पैसा खूब है उसके पास, घर बसाने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन अब क्योंकि बूढ़ा हो चला है तो शायद सोचता हो कि मेरी जिंदगी में भी कोई हो, मेरा कोई हम साथी। अब ऐसे में कोई उसी के उम्र वाली उससे शादी करेगी, लेकिन अचानक कोई खूबसूरत सी अच्छी खासी शीना जैसी जबरदस्ती उसकी गोदी में आ पड़े तो वो क्यों मना करने लगा? आप कह रहे हैं ये बात? क्यों, जो जिंदगी की हकीकत वही बता रहा हूं। इसका मतलब है आपने भी मेरे साथ रिश्ता इसीलिए जोड़ा है क्योंकि मैं यंग हूं और देखने में अच्छी हूं? फालतू की बात मत करो तारा, हम अपने बारे में नहीं, शीना और रतन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और वैसे भी मैं ना तो रतन जितना बूढ़ा हूं और ना ही उसकी तरह लड़कियों के पीछे दुम हिलाकर भागने की मेरी आदत, और ना ही उसकी जितना अनाप शनाप पैसा मेरे पास। खैर, आप रतन से बात तो कर सकते हैं। नहीं तारा, मैं इस पचड़े में पड़ने वाला नहीं। रतन मेरा क्लाइंट है और उसकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करके मैं अपना मजाक नहीं उड़ाऊंगा। रोहित भी तो कोशिश कर रहा है। हाँ कर रहा होगा, रोहित उससे प्यार करता है, मैं नहीं करता। इतने मतलब ही मत बनो, तुम रतन को समझा सकते हो और उसके भेजे में ही बात खुसा सकते हो कि वो इस बेचारी भोली भाली लड़की को बख्श दे। वो कहाँ पड़ा है पीछे? तुमने तो मुझे यही बताया ना कि शीना ने उससे कहा शादी के लिए, तो शीना से कहो कि उसे छोड़ दे। क्या आप भी? अरे क्या मैं भी, अब मैं क्या करूं? अब तुम लोग इतनी बेवकूफ हो कि खुद ही अपना सर पानी में डुबो रही हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ठीक, अगर तुम शीना के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मेरे लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चों वाली बातें मत करो तुम। नहीं, आई मीन इट, मैं सही कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम क्या चाहती हो, क्या करूँ मैं? जाके समझाओ ना रतन सूद को, कहो उससे कि क्या बचकानी हरकत है। ओ गॉड, क्या बेवकूफी है तारा। होने दो। अच्छा ठीक, मैं उससे बात करता हूँ, रतन सूद से। लेकिन अगर उसने मुझसे कहा कि मेरा इसमें क्या लेना देना, तो आई कांट डू एनीथिंग, और फिर तुम भी मुझे कुछ मत करना कहने के लिए। इज दैट क्लियर? और मैं शादी में भी नहीं आने वाला। ठीक है, पर तुम उसे बात अभी जाकर करो। हाँ करता हूँ। क्या नंबर है उसके कमरे का? 201. मैं तुम्हें दीपक कहता हूं, सेठ साहब नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। और दोस्ती भी कैसी, बचपन के तो दोस्त हैं नहीं, और ना ही हम लोग कलीग्स भी। ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे को बरसों से जानते हैं और सिर्फ काम की चार बात आपस में कर लेते हैं। शायद इसी रिश्ते की वजह से मैं आपके कमरे में आ गया और आपके पर्सनल मामले में आपसे कुछ पूछ बैठा, जिसका हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है और उसके बारे में पूछने का मुझे कोई हक भी नहीं। एग्जैक्टली, इसका मतलब ना हमारे बिजनेस से है और ना तुमसे। हमारी जो दोस्ती है ना, उसके बीच एक बहुत पतली सी लकीर है जिसको हम दोनों पार ना करें तो ही बेहतर होगा। दीपक, मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम दे नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करूं तो मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारा ये होटल छोड़कर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन दीपक, इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं। वैसे भी शादी के बाद शीना को मुझे लेकर किसी शानदार जगह पर लेकर जाना है, अपनी सुहाग रात मनाने के लिए। दीपक, I'm sorry, मेरे कारण तुम्हें ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करनी पड़ी। बात इस ह्यूमिलेशन की नहीं है तारा, बात उस ह्यूमिलेशन की है जो इडियट शीना को झेलनी पड़ेगी। सुहाग रात, माय फुट, प्लीज यू हैव टू स्टॉप दिस तारा। मेरे बस में जो कुछ भी था मैं कर चुकी हूँ दीपक। देखो तारा, तुम यूं अपने आप को इस सबसे अलग नहीं कर सकती हो। अगर तुम इस सबको रोक नहीं सकती हो तो कम से कम बाहर रहकर इस सबका विरोध तो कर सकती हो। मैं विरोध कर चुकी हूँ, लेकिन वो तो मुझसे नाता तोड़ने की बात कर रही है। आई डोंट नो तारा, यू हैव टू स्टॉप। मैं क्या करूं, वहां तो शादी की तैयारियां भी हो चुकी होंगी। हो गया, हो गया, सब इंतजाम हो गया। देखो ये है कमीज,
यह छलवार और चुन्नी, इचम है जुड़ी, छैंडल और छोटा मोटा लेडीज कपड़ा। पंडित ने निकाला मुहूर्त 11 बजे का, लेकिन मैं बोला तुम 9 बजे आके बैठो, 2 घंटा इंतजार करो। तुमसे किसने कहा था ये सब लाने के लिए? छीना ने। ओ शिट। अरे यार तू परेशान क्यों है? ओ बाबा भड़कता क्यों है यार? छीना का छादी है, कितना खुशी का बात है। अरे आंछू? अरे टेढ़ा को छूट नहीं है, छादी किसी का भी हो आंछू निकल ही आता है, वो तो मेरा भी निकलता है। क्या? आंछू। वो तुमने सुना नहीं वो गाना, मैं खुश हूँ मेरे आंछुओं पे ना जाना, मैं तो डी 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 क्या डी 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 मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। चुप रहो। क्यों चुप रहे? यही तो है बेचारा अकेला जो मेरे बारे में सोच रहा है, सिर्फ यही। तुम सब मुझे खुश नहीं देखना चाहते। क्या मतलब है तुम्हारा? हम कैसे तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं? अरे ये डैनी तो बेवकूफ है, इसको नहीं पता कि ये सब क्या कर रहा है। रे यार चुप, ये खुद भी नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है। है तुमने इतनी पी ली है कि बिना सोचे समझे उल्टे सीधे फैसले किए जा रही हो? हाँ, तुम किसी के बारे में तुम्हें कुछ परवाह है? तुम सोच रही हो किसी के बारे में? अगर हम तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचते तो क्यों रोकते तुम्हें उसे शादी करने के लिए? क्या नाम है उसका? रोहित। तुम सिंपैथाइज मत करो, ये बहुत सेल्फिश और मतलबी हो रहा है। शीना प्लीज फॉर गॉड सेक कम से कम सोचो तो सही जरा। ED&T शट अप। क्या? इमोशन ड्रामा एंड थ्रिल। चुप करो यार। शीना शीना ये क्या है? आईने में जरा अपनी शक्ल देखो, कैसी हरकतें कर रही हो तुम? लाऊं क्या आईना? लाऊं क्या? चुप रहो तुम। कैसी है शीना? एनी इंप्रूवमेंट? क्या खाक इंप्रूवमेंट, ये इडियट आ गया है ना आग में घी डालने के लिए। कौन कौन इडियट? किधर है? अच्छा ये शट अप। डार्लिंग और इडियट मत कहो। क्या अर्जू तू मेरे को बोला इडियट? ये बात अच्छा नहीं है। देख मेरे को मत। डैनी डैनी रिलैक्स प्लीज। शीना प्लीज ये पीना बंद करो और जरा सोचो, क्यों हम सबको और अपने आप को मुसीबत में धकेल रही हो? क्यों? तुम खुद पी के देखो, सब समझ में आ जाएगा। ओ गॉड, कोई तो होना चाहिए था, कोई तो होता जो हमें इस मुसीबत से बचा लेता। ओके। कहाँ की तैयारी पुत्र? सोचा कि तारा शीना और आरजू से जाके मिलाती हूँ, अब तक आ गई होंगी वो लोग अपने अपने काम से घर। नहीं बेटा अभी नहीं, क्या है कि हमारी हर हरकत पे कड़ी नजर रखी, तो भगवान ना करे कुछ हो जाए ऐसी। अरे क्या पापा, कुछ नहीं होने वाला। कंचन पुत्र देख, क्या है ना, हम तीनों यहाँ पे एक खास मकसद के लिए आए हैं, खास काम से। भाई हमने अपने नाम तो बदल लिए, अलग अलग फ्लाइट से भी आगे, पर अपने चेहरे तो नहीं बदल सकते ना। मैं चाहता हूँ कि तू कहीं बाहर ना जाए, ऐवे खाम का किसी की नजर पड़ गई तो 25 सवाल पूछेगा, और अगर पूछे तो अपना नाम सही नहीं बताना। ओके पापा, टोनी कह रहा था कि आज शाम को हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, वो क्यों? बहुत सवाल पूछती है बेटा, बहुत सवाल पूछती है, जो मैं कहता हूँ वैसे ही करो। ओके अच्छा बाद में बता दूंगा। लेकिन पापा मैं कल उनसे मिल सकती हूँ ना? प्लीज बहुत मन कर रहा उनसे मिलने का, एक अरसा हो गया उनसे मिले, उनको तो मालूम भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। अगर तू मर गई होती ना तो उनको कब का पता चल गया होता। तू जिंदा है वो जानती है ये। ओ पापा आप नहीं जानते मैं उनको कितना मिस करती हूँ, हम लोग हमेशा एक थे, हमेशा एक साथ, वो तीनों तो अब भी एक साथ है, मैं ही बदकिस्मत हूँ जो अलग हो गई, ऐसी मनहूस घड़ी में अलग हुई हूँ कि मिलते ही नहीं हम, और वो भी उस कमीने पृथ्वी कुमार बिश्नोई की वजह से। देख पुत्र बार बार एक ही बात नहीं दोहराते, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ उस पे, अब जिंदगी में आगे क्या करना वो सोच, अब मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ठीक कहते हैं आप। अच्छा आज हम कौन से होटल में जा रहे हैं शाम को, नाम क्या है उसका? क्यों बताऊं? अरे बताइए ना, आप भी ऐसे जासूस बन रहे हैं। होटल ड्रैगन में जा रहे हैं। आरजू के घर के पास है वो? भाई बम्बई के हिसाब से तो बिल्कुल पास में है, पर लुधियाना के हिसाब से बहुत दूर है। ओह गुड, होटल ड्रैगन। फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 20 है। अच्छा है कांच की खिड़की है, सब नजर आएगा। अच्छा है आसानी से पाइप के सहारे हम ऊपर चढ़ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं, छत से भी एक रास्ता है। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे चले जाएंगे। अच्छा है कोई देख नहीं रहा है, किसी को शक हो गया तो मारे जाएंगे। अरे ऐसे कैसे शक हो जाएगा भाई, ये होटल देख रहे हैं, अच्छा है, तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अपने हनीमून के प्लान्स बना रहे हैं ना इस होटल में, गोवा जाने की क्या जरूरत है, यही मना लेते, अच्छा आइडिया है। दिमाग खराब है? गोवा की जगह इस रद्दी सी होटल में हनीमून मनाऊंगा मैं, जहाँ स्मगलर्स ऑपरेट करते रहते हैं। एक्चुअली मैं तो ये भूल भी गई हूँ कि ये मेरा कौन सा ड्रिंक है।
अच्छा ही है जो भूल गई हो तुम। दुनिया की कोई भी बुराई याद नहीं रखनी चाहिए, निकाल देना चाहिए उसको सहन से। ना 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 ना, निकाल तो नहीं देना चाहिए, उसे अपने दिमाग के किसी कोने में छुपा के रख देना चाहिए ताकि वक्त आने पर काम आए। लेकिन याद करने की जरूरत क्या है? जरूरत है, बहुत जरूरत है। अपने साथ जिसने भी बुराई की हो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। जब आप बेबस और टूटे हुए हो ना, तब काम आता है वो। मैं समझा नहीं। फर्ज करो कि एक छोटी सी चिड़िया है, उसे एक बड़ी चील ने चोंच मार मार कर नोच लिया है, उसके पंख के चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन किसी तरह वो चिड़िया ठीक हो जाती है, फिर से उड़ने लगती है। अब वो उस चील से बदला लेना चाहती है, उसके पंख के चिथड़े करना चाहती है। भूली नहीं है वो। फिर वो दोबारा उड़ने लगती है, खुली हवा में, आसमान की ऊंचाइयों तक। जैसे 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 एक सूखा हुआ पत्ता जो पेड़ से अलग होकर हवा के झोंके के साथ साथ उड़ता है, बहुत दूर, बहुत ऊंचा। अगर उसके बीच में कोई चट्टान आ जाए तो अटक जाएगा ना? नहीं, अटक नहीं जाएगा, ठहर जाएगा कुछ देर, सांस ले लेगा वहां। कंचन, तुम वो पत्ता हो और मैं वो चट्टान। टोनी, यू लाइक मी? ओह यस। गोविंद और आरजू को देखो कितने सीरियसली बैठे हैं। वो दोनों खुद अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं। कल ही तो है। क्या? अरे तुम्हें किसी ने बताया नहीं? ओह शिट, उनकी कल कोर्ट में शादी है। आर यू सीरियस? या, मैं और शीना ही तो विटनेस बनने वाले। रियली? हाँ। माय गॉड, तब तो शीना को जागते रहना पड़ेगा, उसने तो इतनी बियर पी ली है कि 3 दिन तक नहीं उठेगी। और जब उठेगी तो उसे ऐसा झटका लगेगा कि किससे शादी हो गई है, पूरे होश ठिकाने में आ जाए। अच्छा है जल्दी झटका लगे। लेकिन अगर उसे झटका लगेगा तो हम उसे बचा लेंगे ना? ऑफ कोर्स। सरस्वती प्रदिश संतु मह्यम विष्णोरराटमसी विष्णो पत्रेयस्तम। इन दोनों को कहीं काम है। हाँ, लेकिन इस वक्त बस करो और कुछ मत पूछो। MCCG, मेरी छीना चली गई। पत्रेयस्तम विष्णो द्रौपदी वैष्णवमसी। उसके पीठ कैमरा की तरफ थी, वो ब्रीफ केस को अलमारी में छोड़कर चला गया। 12:30 बज गए हैं, अब दूसरे लोग भी आते होंगे। What's up, Doc?
सोना